अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना विद नजराना। आज मैंने बनाई है मुरादाबादी बिरयानी। मुरादाबादी चिकन बिरयानी है जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ये बासमती राइस की बनती है, कच्चे चावल की। एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपने अपने तरीके से तो खाई होगी बिरयानी, एक बार मेरे तरीके से बनवा कर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मुरादाबादी चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है। एक बार सामान पे नजर डाल लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 तेजपात के पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर का जीरा ले लिया है। 15 से 20 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है, और 1 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है। मैंने 5 यहाँ पे लौंग ली है, लगभग 2 इंच का मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 4 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, और जो इसमें और सामान जाएगा, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भरकर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। 5 से 7 हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। 1/2 मैंने यहाँ पे नींबू लिया है, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे अपना नमक लिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है, और यहाँ पर 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं जो कि मेरे बासमती राइस है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये मेरा बासमती राइस चावल है जो कि मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। बिरयानी जो है ये बासमती राइस में ही बनती है, चिकन बिरयानी। तो आइए देखें इसको आप कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करना, आप लोगों को पसंद आएगी मुरादाबादी बिरयानी। ये देखिए मैंने यहाँ पे पतीला चढ़ा दिया है, और इसके अंदर हम बिरयानी बनाएंगे। आप ये मत कहना कि इतना बड़ा पतीला क्यों चढ़ा दिया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चावल जितने बड़े पतीले में बनते हैं ना, मतलब चावल जितने खुले बर्तन में बनते हैं, उतना ही अच्छा चावल अपना खिलता है और उतना ही अच्छे तरीके से चावल फूलता है। देखो मैंने यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। मसाले मेरे चटकने शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑयल मेरा गर्म हो गया था। ऑयल कितना लेना है, ऑयल आपको अपने हिसाब से लेना है, आपके घर में किस हिसाब से खाया जाता है कम या ज़्यादा, आप उस हिसाब से ऑयल लेना। मसाले मेरे चटक गए, मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास में मेरी वीडियो पहले पहुंच जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने प्याज अपनी जो है हल्का सा ही उसको फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल दूंगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुरादाबादी बिरयानी कितनी ईजी बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप अगर दिल्ली NCR में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो आपको हर जगह पे मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए मिल जाएगी। आप अपने घर में ट्राई करना, बहुत इजी तरीके से बनती है और बहुत अच्छी लगती है। देखिए तो अच्छे से इसमें कर लेना है। कैमरा और सही से सेट करती हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैमरे को सेट कर दिया है, और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मुझे लगा था मैंने कैमरा ऑन कर दिया लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अभी इसको अपना भूनना शुरू कर दिया है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों मेरी तरह कौन कौन है जिसको चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, चाहे वो कोई भी बिरयानी हो, हैदराबादी हो, नागपुर हो, बंगाली हो, कोई भी बिरयानी, मसाला बिरयानी हो। अच्छा आप लोगों में से किस किस को चाहिए कि मैं नागपुरी बिरयानी की रेसिपी भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, कमेंट में बताना आप लोगों को कौन सी बिरयानी अब मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अंडा बिरयानी लेकर आऊँ, वेज बिरयानी लेकर आऊँ, आपको किस तरीके की बिरयानी देखनी है कमेंट में बताना। ये देखो मैंने अदरक लहसुन डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो अपना ये बचा हुआ हमारा दही है ये डाल देंगे, नमक और हरी मिर्च को डाल देंगे। नमक अभी मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि बाद में हम चावल डालने के बाद में नमक चेक कर लेंगे एक बार।
आप चाहो तो इसमें वो भी डाल सकते हो। मैंने ये नींबू को निचोड़ दिया है, इसमें निचोड़ देती हूँ नींबू को। आप इसमें चाहो तो अचार भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा सकते हो अचार में, नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें मिर्च का अचार भी डाल सकते हो, इससे बिरयानी और टेस्टी हो जाती है। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, अब इसको भून लेते हैं। हाई फ्लेम पर 2 से 4 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके भूनने देते हैं थोड़ा सा मसाले के अंदर। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको। देखिए यहाँ पे चिकन ने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो तो अच्छे से मेरा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल दूंगी मैं। आप चाहें तो कम पानी डाल देना स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि जो है पानी का जो चावल डालेंगे उसके बाद चेक कर लेंगे। अभी मैंने 1 लीटर पानी डाल के इसको एक बॉईल आने तक पका लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे चावल में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं ये चावल इसमें डाल देती हूँ। बड़े भगोने में चावल बनाने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब जितना चावल की क्वांटिटी है, अगर उससे एक्स्ट्रा बड़े बर्तन में चावल आप बनाते हो, चाहे वो कोई भी चावल हो, आपका बासमती राइस हो, डबल चाबी हो, या XYZ कोई भी चावल हो, वो बहुत अच्छे से पकता है और बहुत अच्छे से फूलता है वो चावल, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो, जितना भी हुआ करे अपना बड़े बर्तन में ही आप बनाया करो, ताकि अच्छे से उसको स्पेस मिल जाए। चाहे चावल हो या सालन भी अगर आप बना रहे हो, तो अगर बड़े बर्तन में बनाओगे तो उसको इजीली आपको गलने में, मसाला मिलने में बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम नमक चेक करेंगे यहाँ इस कंडीशन पर आकर। मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है नमक, थोड़ा सा टपक डाल लेती हूँ। अब हम इसको ढककर बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। तो आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब एक बार चला लेते हैं चावलों को अच्छे से, नीचे से चमचा घुमा के। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में चावलों को ढककर और गैस को थोड़ा सिम कर देंगे। अब गैस को सिम करके 15 मिनट के लिए सिम पर पकने देंगे चावलों को। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पर हमारी बिरयानी को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट, हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फूड कलर ऐड कर देते हैं और अपना केवड़ा वाटर। देखिए कितनी बढ़िया मेरी बिरयानी बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है और एक ढक्कन मैंने केवड़ा वाटर ले लिया है। अब हम इसको इस पर डाल के और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम निकालते हैं। देखिए मेरी परफेक्ट बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मेरी मुरादाबादी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी बढ़िया लग रही है, जितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है, खाने में भी उतनी बढ़िया होती है। एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें।